रोहतक विधानसभा से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शीतकालीन सत्र पर बोले कि इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भर्ती रिश्वत मामले में काम रोको प्रस्ताव लेकर आ रही है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। यही नहीं, उन्होंने जिला प्रशासन पर भी बीजेपी के पूर्व मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लैंड लॉस के बारे में बताया कि जल्द ही प्रदेश में लैंड लॉस कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि इस समय लैंड लॉस 14.5% है, जबकि इसे घटाकर 13% तक लाना है। इसके लिए बिजली विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। खेल मंत्री संदीप सिंह की हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के संघ के अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में हिसार में लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। गायत्री देवी ने इस मौके पर कहा कि संदीप सिंह के हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने पर हरियाणा में खेलों और खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में और अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत एसकेएम के कई बड़े नेता नरवाना पहुंचे। बद्दोवाल टोल प्लाज किसानों ने ढोल बजाकर नाच गाकर उनका स्वागत किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के स्वागत में पटाखे भी फोड़े गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि आंदोलन अभी स्थगित किया गया है, लेकिन भविष्य में भी आंदोलन किया जाएगा। सरकार अब टोल रेट को दोगुना करने की बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से गेहूं की फसल के दाम बढ़ाए गए, उस हिसाब से मामूली से रेट बढ़ा सकते हैं। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद सोनीपत कुंडी सिंह बॉर्डर खुलने का इंतजार अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने भारी कंक्रीट की दीवार को तोड़ने का काम पूरा किया है, लेकिन उसके बाद भी अभी बैरिकेडिंग चल रही है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग इसलिए की हुई है ताकि हाईवे की साफ सफाई का काम पूरा हो सके। हरियाणा हाईवे प्रभारी ने बताया है कि 2 दिन के अंदर पूरी तरह कुंडी सिंह बॉर्डर को साफ कर दिया जाएगा, और तब तक सभी लोगों से अपील की जाती है कि वो जाम की स्थिति पैदा ना करें। किसान आंदोलन खत्म होने से टीजी बॉर्डर भातुगढ़ के व्यापारियों को काफी राहत मिली है। छोटे दुकानदारों ने भी किसान आंदोलन पर खत्म होने पर खुशी जाहिर की है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि अगर पहली आंदोलन खत्म हो जाता तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। किसान आंदोलन के कारण उनकी दुकानें बंद हो गई थी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही प्रदेश भर में चल रहे किसानों के धरने समाप्त हो गए हैं। फतेहाबाद में किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मोर्चे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस मौके पर किसान संगठन की ओर से पक्के मोर्चे और सुखमनी साहब का पाठ रखा गया। किसान आंदोलन के साथ साथ फतेहाबाद के पक्के मोर्चे पर चल रही लंगर सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसान संगठनों की ओर से सम्मानित भी किया गया। किसानों ने बताया है कि केंद्र सरकार के साथ चली लंबी लड़ाई के बाद किसानों की जीत हुई है। फिलहाल किसान संगठनों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है, क्योंकि अभी किसानों की एमएसपी लागू करने, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने के साथ ही कुछ अन्य मांगे बची हुई। तोशाम में संघ किसान मोर्चा के सदस्यों ने धन्यवाद रैली निकालकर तोशाम बाजार में सभी व्यापारियों को धन्यवाद किया, और इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए किसान नेता कमल सिंह ने बताया है कि संघ किसान मोर्चा के संघर्ष के दौरान तोशाम के व्यापारियों ने जमकर सहयोग किया। किसान मोर्चा के आह्वान पर व्यापारियों ने 3 बार पूरी तरह से बाजार बंद रखा। किसानों की जीत में व्यापारियों का भी पूरा हाथ रहा है। किसान मोर्चा के सदस्य सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद कर रहे हैं, और इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। यमुनानगर में किसानों को पिछले कई दिनों से खाद नहीं मिलने से विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। भारी संख्या में किसान जिला सचिवालय में दाखिल होने लगे तो पुलिस ने उन्हें सचिवालय गेट पर ही रोक लिया। किसानों ने गेट पर बाहर से ताला लगा दिया और कहा कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं आते तब तक ताला लगा रहेगा। किसान नेताओं का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उन्हें खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनकी फसल बर्बाद होने लगी। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान में हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री
मुद्रा शर्मा ने शिरकत की और कहा कि इसी तरह पर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी दुनिया में जानी जाती है। गीता का उपदेश सारी दुनिया में जीना सिखाता है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गीता सेमिनार में शिरकत करने के बाद सब कुछ हर एक ही सोचता है और अपने गुरु को याद करता है। जब साम्राज्य व्यापार से हार जाते हैं तो अपने गुरुओं को याद करते हैं। जिसका गुरु है उसका जीवन पूरा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन के दिन पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कार्यक्रम में शिरकत की। दोनों हाल में लगाए गए स्टॉल और गीता महोत्सव पर आयोजित स्कूली बच्चों के कार्यक्रम को भी देखा। विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि गीता का ज्ञान प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। गीता का ज्ञान व्यक्ति को जीवन जीने की राह दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गीता महर्षि स्वामी ज्ञानानंद ने वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ किया, जिसमें कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर 15 स्कूलों के 1155 स्कूली विद्यार्थियों ने गीता श्लोकों का उच्चारण किया। प्रदेश भर के 2500 स्कूलों के 55,000 विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कुरुक्षेत्र 48 कोस के तीर्थों का विकास रहा है, राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है और इस धरती को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने का अनोखा प्रयास भी हो रहा है। हिसार में आयोजित गीता जयंती महोत्सव का तीसरा दिन समापन हो गया। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी आर कंबोज मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के समापन समारोह पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम का समापन गीता आरती के साथ किया गया। अंबाला शहर में आयोजित जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला कमिश्नर रेणु फुलिया ने शिरकत की। इस मौके पर अंबाला जिला का सारा प्रशासन भी यहां मौजूद रहा। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने हरियाणवी सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन कर पंडाल में बैठे लोगों को गीता के बारे में बताया। गीता जयंती मेले में सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का 3 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित किया गया। गीता जयंती समारोह में गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया गया। 3 दिवसीय गीता जयंती कार्यक्रम के दौरान अंतिम दिन गुरुग्राम आयुक्त राजीव रंजन रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गीता जयंती समारोह में लगे प्रदर्शनी और बूथों का अवलोकन किया। चरखी दादरी के गांव चंदेली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विनय संगमान की ओर से फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल कैटलबेल मैराथन फेडरेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर विनय सांगवान का स्कूल प्रांगण में स्वागत किया गया। विनय सांगवान ने बताया है कि कड़ी मेहनत करके हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। सवारखा के गांव घड़ी छाजू में लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को अवैध क्लिनिक चलाने की शिकायत मिल रही थी। सीएम प्लान की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने रेड मारकर एक व्यक्ति को मौके से काबू किया। मौके पर अवैध प्रतिबंधित दवाइयां और अन्य सामान जब्त किया गया। कंडाल में नशे में धुत सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से 2 एक्सीडेंट होने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित गाड़ी चालक ने बताया है कि वो बस तारा टोल प्लाजा पर टैक्स पे करने के लिए खड़े थे। पीछे से आई गाड़ी ने टक्कर मार दी और गाड़ी चलाकर गाड़ी चालक फरार हो गया। मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाया गया। जब पुलिस ने टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश की तो मधुबन पुल क्रॉस करने के बाद उन्हें डिवाइडर पर एक बाइक सवार सड़क पर पड़ा मिला। हतिया के गांव भेड़ाना के रहने वाले 35 साल के बलजीत सिंह ने आत्महत्या करने का एक वीडियो जारी किया है। बलजीत सिंह ने इस वीडियो में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक जाहिर करते हुए कहा है कि मेरी पत्नी के संबंध किसी और व्यक्ति के साथ हैं। बलजीत सिंह ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है और इसी के साथ बलजीत सिंह की तलाश पुलिस कर रही है। बलजीत सिंह का शव मिलने के बाद ही आत्महत्या की पुष्टि हो पाएगी। नलवा के कुमारी गांव के मेन रास्ते पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आम जन को आने जाने में
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इस समस्या से काफी परेशान भी हैं। समाधान के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। सिरसा में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का उदाहरण देखने को मिला। शाह सतनाम के सेवादारों ने जरूरतमंद महिला पुरुष और बच्चों की मदद के लिए वो आगे आए। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को फल खाद्य सामग्री और गर्म वस्त्र दिए। भारत के किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिका से हरियाणा के जींद आई महिला किसान मारिया ने देश के किसानों का धन्यवाद किया। मारिया ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के किसानों के साथ खड़ी थी और वो खुद भी बादाम की खेती करती है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 कन्वेंशन सेंटर में आयोजित गीता जयंती महोत्सव प्रदर्शनी में यातायात नियमों को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। लोगों को चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 500 का चालान काटने के बारे में बताया गया। यातायात विभाग के स्टॉल पर न केवल यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया बल्कि प्रदूषण को रोकने के लिए भी लोगों से सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील भी की गई। अंबाला छावनी के रेलवे रोड के पास एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से दुकान में रखे जूते कंबल समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कैंट सदर थाना SHO नरेश भी मौके पर पहुंचे और कहा कि खैरियत रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। यमुनानगर में सिविल अस्पताल जगाधरी की आईडी हैक करके जाली जन प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है जिसमें CMO के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि उनको एक जाली जन प्रमाण पत्र मिला। इस मामले को लेकर साइबर क्राइम में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस थाना छप्पर के प्रभारी राय सिंह ने कहा है कि इस मामले में गहराई से जांच की जाएगी और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुग्राम शहर के 40 RWA के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें निगम की ओर से RWA के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया। RWA प्रतिनिधियों का कहना है कि निगम ने मिलीभगत कर पार्कों और सामुदायिक भवनों के रखरखाव का जिम्मा पार्षदों को सौंप दिया है जिसके बाद से सेक्टरों में पार्कों की बदहाली देखी जा सकती है साथ ही पेयजल की समस्या को भी उजागर किया। सर्दी का मौसम बढ़ते ही समाज सेवा करने वाले हाथ जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। समाज सेवी लोगों और संस्थाओं की ओर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब जरूरतमंद बच्चों की मदद की उन्हें जूते जुराब और गर्म स्वेटर भेंट किए गए। रेवाड़ी के राजेश पायलट चौक पर स्वर ऊर्जा पार्क में समाज सेवी नरेंद्र गुगलानी की ओर से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब प्रवासी बच्चों के लिए ऐसे झुग्गी झोपड़ी स्कूल चलाया गया जिसमें 200 से ज्यादा बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। ऐसे झुग्गी झोपड़ी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक भी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। टीचर प्रेमलता यादव ने कहा है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और इसीलिए वो घर पर टीवी देखकर अपना समय खराब करने के बजाय इन गरीब बच्चों को यहां आकर पढ़ाना उचित समझती हैं। करनाल में सड़क के बीच खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली करनाल से असंत की तरफ जा रही थी तभी एक कैंटर ने ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। कैंटर चालक सोनीपत का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि सड़क हादसे की सूचना मिली थी। मौके पर कैंटर में देसी शराब भरी थी और अभी तक एक के मरने की सूचना है, दो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। शराब किसकी है, कहां से लाई जा रही थी, इसकी जांच अभी की जा रही है। फतेहाबाद के गांव बनगांव में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया और महिला और दो बच्चों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला के पति की मृत्यु 6 महीने पहले हुई थी। इसके बाद से ही महिला मानसिक रूप से काफी परेशान चल रही थी। अंबाला में नगर निगम कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं कि अंबाला शहर को साफ और स्वच्छ बनाना, जिस पर नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है। अवैध रेहड़ियों को हटवाना है। अंबाला सिटी सिविल अस्पताल चौक पर रेहड़ियों को हटवाया गया और उनका सामान भी जब्त किया गया। चरखी दादरी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनके चालान काटे। मास्क में पहनने वालों को मास्क भी वितरित किए गए। दादरी पुलिस की ओर से शहर के कई चौराहों पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने आमजन को जागरूक करते हुए बताया है कि कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है।
इसको रोकने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना होगा ताकि कोरोना वायरस से हम सभी बच सकें। किसान आंदोलन के दौरान सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर स्पीच, छोटे दुकानदारों, ढाबा मालिकों और कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अब सभी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है तो उनका कारोबार भी बढ़ पाएगा, पटरी पर आ पाएगा। नेशनल हाईवे 44 पर मशहूर ढाबे के मैनेजर सिकंदर सिंह ने बताया है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, हमें उम्मीद है कि उनका कारोबार भी जल्द बढ़ेगा, पटरी पर लौटेगा। पहले कोरोना की वजह से हमें नुकसान हुआ और अब किसान आंदोलन के चलते मार झेलनी पड़ी। सिरसा में खुद से कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोहरा होने के चलते सिरसा की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम देखने को मिल रही है। इस दौरान वाहन चालक लाइट चलाकर ही सड़कों पर चलते दिखाई पड़े। वाहन चालकों ने बताया है कि कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी काफी कम है, ऐसे में दूर से आने वाले वाहन सही तरीके से दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा है कि फॉग लाइट का इस्तेमाल कर कोहरे से बचाव किया जा सकता है। रेवाड़ी में आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में धरा को स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से रंग बिरंगे फूलों से गुलजार करने की पहल पुष्प अभियान के रूप में की गई। फ्लावर मैन के नाम से विख्यात अभियान चलाने वाले युवक का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि रेवाड़ी धरा को रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित करना और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना उनका लक्ष्य है। पुष्प अभियान के दौरान 1 करोड़ फूलों के पौधे बांटने का भी टारगेट रखा गया है। नशे के प्रति जागरूक करने के लिए फतेहाबाद पुलिस की ओर से जागरूक कैंप लगाया गया। कैंप में जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र भूरिया पहुंचे और कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसमें परिवार बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस कप्तान सुरेंद्र भूरिया ने कहा है कि अगर नशा करने वाला नहीं होगा तो सप्लाई भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। पूरे भारत में 65% युवाओं की जनसंख्या है और अगर युवा ही नशे की गर्त में चले जाएंगे तो भारत को बचाना कठिन होगा। फरीदाबाद में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक साल के बाद फरीदाबाद जोन का, आपको बता दें कि जोन यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 14 से 16 दिसंबर तक सेक्टर 16A स्थित नेहरू कॉलेज में किया जा रहा है। आयोजन में पहली बार लोकगीत को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही इस फेस्टिवल में तीनों जिलों से लगभग 30 से अधिक कॉलेजों से 1000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। सिरसा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शहर का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने IMA और प्राइवेट अस्पताल संचालकों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पार्किंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। अर्पित जैन ने कहा है कि 3 से 4 अस्पताल मिलकर एक पार्किंग व्यवस्था चयन कर लें और अगर फिर भी ये काम नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए प्रशासन को भी अवगत कराएं ताकि समस्या का समाधान हो सके। सोहना में मोबाइल उपभोक्ता परेशान चल रहे हैं। सोहना में मोबाइल उपभोक्ताओं की परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंटरनेट सेवा का बंद होना। यमुनानगर में नंबरदारों ने जिला सचिवालय पर प्रोटेस्ट किया। सरकार से नंबरदारों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की। नंबरदार एसोसिएशन के प्रवक्ता शिव कुमार का कहना है कि सरकार ने नंबरदारों की नई नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए पूरे प्रदेश के तहसीलों में पत्र भिजवाएं, जो कि सही नहीं है, और अगर जल्द ही सरकार ने इन पत्रों को वापस नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बाढ़ा अनाज मंडी परिसर में अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन हरियाणा महिला विकास निगम के चेयरमैन और रेस्लर बबीता फोगाट ने किया। बबीता फोगाट ने स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से लगभग 601 व्यक्तियों ने लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाया। पहलवान विजेंद्र देशभर में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं।
अभियान से प्रेरित होकर भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। एसपी ने विजेंद्र को मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भिवानी एसपी ने कहा है कि वो नशे को खत्म करने के लिए स्टील मैन विजेंद्र का सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे भी। इस साल भिवानी पुलिस ने नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 60 केस दर्ज किए और 90 को जेल भी भेजा। रतिया में कॉलेज के छात्र छात्राओं की बस समस्या का समाधान हुआ। रतिया में हर खबर हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। रतिया के खालसा शताब्दी कॉलेज और महिला कॉलेज की को रोडवेज विभाग ने दो दो बसें दी। छात्रों ने हर खबर हरियाणा का आभार भी जताया। बस समस्या से जूझ रहे छात्र छात्राएं फिर से सड़कों पर उतरी। छात्रों ने जाम लगाया। छात्राओं ने कहा है कि स्कूल कॉलेज जब आना जाना होता है तो छुट्टी के समय भी बस नहीं मिल पाती है। दो दो घंटे तक हमें इंतजार करना पड़ता है जिससे काफी परेशानी होती है। छात्राओं ने यह भी कहा कि विभाग का कई बार हमने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद हमने जाम लगाने का फैसला किया। कलायत के गांव बात्ता में स्कूल में जाने के लिए बच्चों को गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। मौके पर लोगों ने बताया है कि करीब 5 साल से गली का यही हाल है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैथल डीसी और अन्य अधिकारियों से इस बारे में गुहार भी लगा चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में भी बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। करीब दर्जनों मकान इस पानी की चपेट में हैं। गली में कई कई फुट तक पानी खड़ा रहता है। महिलाओं ने बताया कि बच्चे भी बीमार पड़ने शुरू हो चुके हैं मगर कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उकलाना के सरकारी कॉलेज में एथलीट मिटकी ओर से द्वितीय वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रिंसिपल राम सिंह बेनीवाल मौजूद रहे। प्रिंसिपल राम सिंह बेनीवाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि मुख्य अतिथि ने सरकार की ओर से 50,000 रुपए के ग्रांट से दिए गए छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। कनीना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। कनीना उपमंडल के गांव भोजावास में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति जोगिंदर को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से नशीला पदार्थ बेचने पर पुलिस ने छापेमारी कर 1 किलो 800 ग्राम गांजा बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जोगिंदर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तोशाम के चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट महिला महाविद्यालय तोशाम में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के लिए लड़कियों की कबड्डी की टीम का ट्रायल लिया गया जिसमें 30 लड़कियों ने भाग लिया और इन सभी लड़कियों में से 12 लड़कियों को इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चयनित किया गया। हथीन में कपड़ा व्यापारी शुभम से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप रुकडाका निवासी राहुल और अरबाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी इससे पहले भी कई लाख की रंगदारी मांग चुका है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 की मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बैंक के अंदर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजर माधवी का कहना है कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स ठीक है। सोहरा में 2 ट्रकों की जबरदस्त धड़ंत हो गई। तेज रफ्तार के चलते टक्कर हुई। एक गाड़ी के चालक की मौके पर मौत हो गई। दूसरी गाड़ी का परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सोहना पलवल मार्ग पर सांचोली गांव के पास से वारदात हुई। पुलिस ने मृतक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोहना नागरिक अस्पताल में शव गृह में उसको रखवाया। परिचालक को उपचार के लिए यानी कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुंडरी थाना के गांव जटहेड़ी में एक व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक जोनी बिजली के खंभे लगाने वाले लेबर में काम करता था। खेतों में बन रहे डेरे में लेबर के 3 लोग रहते थे जिनमें से 2 फरार हैं। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।